सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोन पे का जो हिस्ट्री होता है उसको हम किस प्रकार से डिलीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को शुरू करते है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आपको फोन पे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर देखिएगा नीचे में कब से मिलेगा कि हिस्ट्री का। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको वो ट्रांजेक्शन आपको इसमें सेलेक्ट करना है जिनका आप हिस्ट्री अगर आप उनका डिलीट करना चाहते हैं। जैसा कि देखेगा तो हम यहाँ पर एक आदमी को यहाँ पर हम 100 रुपया यहाँ पर हम भेजे थे, लेकिन इनका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया। तो हम इसको हमको डिलीट करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि हमको इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने में मिलेगा व्यू हिस्ट्री का। तो यहाँ पर आपको व्यू हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा हमको हिस्ट्री जो है इसको डिलीट करने का हमको यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसको हमको सबसे पहले करना क्या है कि हमको इस तरह से हमको यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आइएगा, देखिएगा नीचे में यहाँ पर आपके सामने में दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है कि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमारे सामने में एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कि मोनी हैज लेफ्ट माय अकाउंट का। तो यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा फिर से हमसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमको दोस्तों सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने में दिखा देगा कि आई चेक माई स्टेटमेंट नाउ का। तो सिंपली आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिएगा हमारे सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से करना क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में दिखाई देगा कि वाई डो बैंक डेली रिफंड का। तो सिंपली आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर देखिएगा आपके सामने में ऊपर में एक लिंक दिखा देगा, यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा कि व्यू टिकट का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने में फिर से बहुत सारा इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने में दिखाई देगा कि स्टेटस पेंडिंग का। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपना फोन पे का जो भी कस्टमर केयर का नंबर होगा उन पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद वहाँ पर आपसे जो भी डिटेल मांगेंगे वहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हिस्ट्री आपको क्यों आपको डिलीट करना है ये सब यहाँ पर आपसे पूछेंगे, ये सब सवाल का आपको जवाब देना है। जवाब देने के बाद यहाँ पर फाइनली आपका अपना फोन पे का जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगा।